बांग्लादेश से लेकर वेस्ट एशिया तक एक खिलाफत, एक कैलिफेट, मुस्लिम कैलिफेट, इस्लामिक कैलिफेट स्थापित करने का उनका इरादा था। गैर मुस्लिमों से किया जाता है जिहाद, जिहाद तो युद्ध है, घोषणा युद्ध है तो संग्राम है। तो हमारा देश इस समय भी ऐसे तकरीबन 5 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स को टारगेट कर रहा है। धर्षण करछे Bangladesh is the only one country, only one land in the world. If you want Talibanization re-implement, Bangladesh is the best place in the world. अफगानिस्तान का एक खुफिया ठिकाना, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का फरमान तैयार किया जा रहा है। इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों के आतंकवादी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। फरवरी 23, 1998, जिहाद मूवमेंट इन बांग्लादेश के सरगना फजलुल रहमान ने एक दस्तावेज पर दस्तखत किए। इस दस्तावेज में अमेरिका और उसके दोस्तों के खिलाफ जिहाद करने का ऐलान किया गया था। इस दस्तावेज पर कुछ और हस्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। उनके नाम हैं ओसामा बिन लादेन, इजिप्शियन जिहाद ग्रुप के आयमान अल जवाहिरी, इजिप्शियन इस्लामिक ग्रुप के रिफाई अहमद तहा अका अबू यासिर, जमीयत उल उलेमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी शेख मीर हमजा। फतवे में कहा गया कि हर मुसलमान का फर्ज है कि अमेरिकन और उनके दोस्तों का कत्ल करे। जिस किसी देश में ऐसा करना संभव हो किया जाना चाहिए। ऐसा करने से अल अक्स मस्जिद को आजाद कराया जा सकता है, अमेरिकन फौजों को इस्लामी जमीनों से भगाया जा सकता है और फिर वो मुसलमानों को धमका नहीं पाएंगे। हम अल्लाह की मदद से हर मुसलमान को अपील करते हैं कि अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए अमेरिकन्स का कत्ल किया जाए और जहां कहीं भी उनका धन मिले उसे लूट लो। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के पर्दे पर बांग्लादेश का नाम आज अंकित हो चुका है। बांग्लादेशी आतंकवादियों के तार अलकायदा के साथ मजबूती से जुड़े हैं, इसके कई सबूत हैं, जैसे बांग्लादेशी जिहादियों के सरदार फजलुर रहमान के फतवे पर दस्तखत। ये वो फरमान था जिसने आतंकवाद को दुनिया भर में नए मुकामों तक पहुंचा दिया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और बांग्लादेश के बीच तालमेल के कई सबूत अफगानिस्तान से मिले। बांग्लादेशी तालिबानी संगठन अंसर अल इस्लाम ने मुल्ला उमर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिहाद किया। अफगानिस्तान से भागे हुए अलकायदा के 150 आतंकवादियों को बांग्लादेश में छिपने की जगह दी गई। 150 people came in from Afghanistan and Pakistan, were given an escort, and from that point where they went, we couldn't work out. I mean, going to Chittagong, there were well-established insurgent bases along the Burmese border. We assume that they went into there. We think some of them went up to Dhaka, but we really don't know. But that's the point of Bangladesh. That's the purpose it serves. You know, after you've had an operation or if you're on the run, it's a safe house. You go there to disappear. आईबी ने एस्टिमेट किया है कि 5000 बांग्लादेशी घुसपैठियों ने इस्लामिक ग्रुप से मदद लेके एक स्लीपर सेल्स तैयार किया है। आज उन्होंने इनएक्टिव है, लेकिन 5 साल के बाद उनका की इनएक्टिविटी इनएक्टिव ही रहेगा। फरवरी 1998 के फतवे से साफ हो गया था कि अंतर्राष्ट्रीय जिहाद के टारगेट पर दो मुल्क थे, अमेरिका और इजराइल। इसमें एक और नाम लिखना बाकी था, हिंदुस्तान। अक्टूबर 2001, अल जजीरा टेलीविजन नेटवर्क पर दिखाए गए एक वीडियो टेप्ड मैसेज में अलकायदा ने भारत पर निशाना साधा। काफी हिंदुस्तानियों को मालूम नहीं है
उन्होंने उसमें भारतवर्ष का नाम भी ऐड कर दिया कह के कि ये हिंदू इंडिया के खिलाफ भी हमारा जहाद है क्योंकि हिंदू इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। 13 दिसंबर सन 2001 भारत के संसद पर आतंकवादी हमला। अल जजीरा टेलीविजन पर दी गई धमकी के 2 महीनों के भीतर ही ये घटना हो गई। जनवरी 22 सन 2002 दहशतगर्दों ने कोलकाता के अमेरिकन सेंटर पर धावा बोला। पुलिस को शक है कि हरकत उल जिहाद इस्लामी बांग्लादेश इस हमले में शरीक था। बांग्लादेश इज ओनली वन कंट्री ओनली वन लैंड इन द वर्ल्ड इफ यू वांट तालिबानाइजेशन रीइंप्लीमेंट बांग्लादेश इज द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। यूएस इनफैक्ट नेम्ड देयर वाज अ चैरिटी सऊदी चैरिटी कॉल्ड अल हरमैन एंड द यूएस स्पेसिफिकली नेम्ड द बांग्लादेशी ब्रांच एंड द बोस्नियन ब्रांच as two branches that had gone completely rogue and had used their money for terrorists to essentially to fund al-Qaeda. 9/11 ke baad America ne Pakistan par pressure banaya aur Pakistan ke bahut sare jihadi groups Bangladesh ki taraf rawana ho gaye. Bangladesh ki sarkar mein aaj Talibani samarthak Islamic Aqiyat aur Jamaat-e-Islami shamil hain. Bangladesh ke logon ki mansikta mein bhari pher badal hue hain. सन 2002 में अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने एक सर्वे करवाया। इस सर्वे के अनुसार 58% बांग्लादेशी मुस्लिम्स ऐसा मानते हैं कि मानव बम इस्लाम के लिए लाभदायक है। 15 अगस्त 2004 और 26 जनवरी 2005 में भयानक विस्फोट हुआ था। नागालैंड में हुआ था, आसाम में हुआ था। इसमें एक प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरीज हुआ था इसमें एस्टैब्लिश हुआ था इसमें जो इंसर्जेंट्स ने वो विस्फोट रखा था उनको मदद बांग्लादेशी घुसपैठियों ने किया था। 2 अक्टूबर को दीमापुर में 2 बड़े भारी बम ब्लास्ट हुए जिनमें 30 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए और उसके बारे में एक जिम्मेवारी लेने वाला कौन था? वो एक मोहम्मद सलीम खान, जिसने कहा कि मैं इस्लामी जिहाद का नॉर्थ ईस्टर्न चीफ हूं। उसने जन साधारण एक असमीज वर्नेकुलर पेपर है गुवाहाटी में, उनको ईमेल भेज के ये कहा, घोषित किया कि ये हमने किया है और ये हमारी कार्रवाई है। अपने को असहाय दिखाने वाला बांग्लादेश वास्तव में काफी गरीबी और नाकामयाबी की तरफ बढ़ने वाला एक मुल्क है। इसका कारण है बांग्लादेश में बढ़ता हुआ मजहबी उन्माद, फिरका परस्ती और हिंसा का फैलाव। भारत के एक छोर पर पाकिस्तान और दूसरे छोर पर बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक आतंकवाद के केंद्र बन चुके हैं, लिहाजा आज भारत के सिर पर आतंकवाद के बादल मंडरा रहे हैं। 24 सितंबर सन 2002 को अक्षरधाम मंदिर पर जिहादियों ने आक्रमण कर दिया। दर्शन करने आए लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और ग्रेनेड्स फेंके गए। 39 लोगों की मौत हो गई। जिस जिहादी मानसिकता को पाकिस्तान और बांग्लादेश में पनपने का मौका मिल रहा है उससे सारा विश्व प्रभावित है। इंटरनेशनल टेररिज्म पर एक नजर। 12 अक्टूबर सन 2002 बाली द्वीप समूह इंडोनेशिया, इस्लामी आतंकवाद। छुट्टी मना रहे 202 सैलानी जान से मार डाले गए। बांग्लादेश has also become a haven or a base or a fallback area for groups around the world, particularly for Jamaah Islamiyah, the Indonesian group, the Bali bombers, and there's good evidence to suggest that some of the people who have been carrying out attacks in Morocco have also been using Bangladesh as a sort of fallback base. September 3, 2004, Beslan, Russia. चेचनिया के इस्लामी दहशतगर्दों ने एक स्कूल में घुसकर 326 मासूम लोगों पर शूटिंग प्रैक्टिस करके उन्हें बेरहमी से मार डाला। इसमें कम से कम 160 बच्चे शामिल थे। दुनिया में जगह जगह सुसाइड बॉम्बर्स के लिए मासूम लोगों की हत्या करते चले जाना एक खेल बन चुका है। बांग्लादेश से पाकिस्तान, अफगानिस्तान से चेचनिया, पैलेस्टाइन से सोमालिया,
और न्यूयॉर्क से लंदन तक नफरत और फिरका परस्ती के नतीजे दिखाई दे रहे हैं। मासूम हाथ खिलौने नहीं पत्थर उठा रहे हैं। बंदूक चलाना और बम फेंकना इनके बचपन का हिस्सा बन चुका है। पैलेस्टाइन में कार्टून फिल्म सब मनोरंजन के लिए नहीं जिहाद सिखाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। मासूम बच्चों को मानव बम बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आतंकवाद सबकी समस्या बन चुका है। कहीं दूर किसी और पर हमला होगा ऐसा सोचकर हम अपने सिर पर खतरे को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खतरा हमारे सिर पर कभी भी आ सकता है। 11 सितंबर के दिन 2749 जाने चली गईं, व्यापार को 500 बिलियन डॉलर यानी 25 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। बीमा कंपनियों को 55 बिलियन डॉलर यानी 2,75,000 करोड़ रुपयों का भुगतान करना पड़ा। एक ही झटके में केवल न्यूयॉर्क में ही 1,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। जनवरी 15 सन 2005 द पायनियर। दिसंबर 27 और 28 को ढाका के पास मोहम्मदपुर में एक विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक का स्थान जमाते उल मदरसा। इस बैठक में बांग्लादेश की जमाते इस्लामी ने एक खतरनाक ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट की पेशकश की। इस ब्लूप्रिंट के अंतर्गत 3,000 जिहादियों की असम के निचले भागों में घुसपैठ कराई जाएगी। आईएसआई के निर्देशन में बांग्लादेश में ऐसे कम से कम 19 ट्रेनिंग कैंप में इन आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। केवल 19 आदमी थे जिन्होंने की वो WTC वाला कांड किया। केवल 5 आदमी थे जिन्होंने की 13 दिसंबर सन 2001 को भारत की संसद पर आक्रमण किया। तो 5 आदमी या 19 आदमी अगर इतनी बड़ी तबाही कर सकते हैं तो 3,000 जो सुसाइड स्क्वाड के जो जिहादी हैं वो कितनी ज्यादा तबाही कर सकते हैं आप अगर मल्टीप्लाई कर लें तो उत्तर इतना विभत्स होगा कि इसका सोल्यूशन बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। कारगिल युद्ध के बाद आंतरिक सुरक्षा पर बनाई गई टास्क फोर्स की रिपोर्ट ने दिल दहला देने वाले आंकड़े पेश किए। 220 जिले यानी देश का करीब 45% क्षेत्रफल आतंकवाद की गिरफ्त में आ चुका है। पिछले 20 सालों में आतंकवाद ने भारत में 64,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ट्रेनिंग के बाद असम में घुसाए गए इन 3,000 बांग्लादेशी जिहादियों का एक ही मकसद है, उत्तर पूर्वी भारत को काट कर इस्लामिस्तान नामक एक नया मुल्क बनाने की कोशिश करना। इस षड्यंत्र का नाम है ऑपरेशन पिन कोड। सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। हम नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर पर खड़े हैं। ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का फुलबारी बॉर्डर आउटपोस्ट है। मेरे पीछे है बांग्लादेश। यहां से नेपाल केवल 24 किलोमीटर दूर है, चाइना 95 किलोमीटर और भूटान 65 किलोमीटर है। ये स्ट्रेटेजिक लैंड लिंक है, चिकन नेक, जो नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है। सातों राज्यों की स्थिति यह है कि वहां से शेष भारत का जो रिश्ता है वो छोटी सी एक चिकन नेक जैसी एक पट्टी से है। जिस दिन वो पट्टी उखाड़ दी जाएगी, हवाई पट्टियां एक दो हैं, उनको विस्फोट के द्वारा उड़ा दिया जाएगा, तो सारा हिंदू समाज, चाहे वो गैर हिंदी भाषी हो, चाहे वो असम भाषी हो, बंगला भाषी हो, चाहे हिंदी भाषी हो, वो किसी भी हिंदू का वहां से निकलना असंभव हो जाएगा। आईएसआई और बांग्लादेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पिन कोड की और कारगिल वाले ऑपरेशन बद्र में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। 1999 में पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन बद्र के तहत कारगिल में घुसपैठ की थी। उनका मकसद था बाकी भारत से कारगिल का जमीनी संपर्क तोड़ देना, द्रास और कारगिल के बीच नेशनल हाईवे पर कब्जा करना उनका उद्देश्य था। इसी तरह ऑपरेशन पिन कोड के अंतर्गत चिकन स्नैक को काटकर संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत को बाकी देश से काट देने की कोशिश करना उनकी मंशा है। BSF का मानना है कि पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के 20,000 मुस्लिम नौजवानों को ऑपरेशन पिन कोड के अंतर्गत प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। हम लोगों को रियलाइज करना चाहिए कि बांग्लादेश ISI का अड्डा बन गया है। ISI बहुत ही एक्टिव है बांग्लादेश में और बांग्लादेशियों को यूज कर रही है हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ, और ISI के लिए बहुत ही आसान तरीका है इन्फिल्ट्रेटर्स बांग्लादेश के बॉर्डर से हिंदुस्तान भेज के हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को अंडरमाइन करना। US State Department says in its annual terrorist report that Jamaah Islamiyah is there. Now Jamaah Islamiyah is the Indonesian branch of Al-Qaeda.
We ourselves have documented a group of Taliban and Al-Qaeda that sailed around India and landed up in Bangladesh. Pakistan mein ek theory hai, thousand cuts. यहां से मारिए, वहां से मारिए, इंडिया आस्ते आस्ते दे विल ब्लीड. और बांग्लादेश आज ये स्ट्रेटजी के ये सबसे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया. बांग्लादेश के मुगलिस्तान रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नक्शा जारी किया है, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक कॉरिडोर यानी एक गलियारे की पेशकश की है. इसका नाम होगा मुगलिस्तान. आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज वो कॉरिडोर बन रहा है और वो कॉरिडोर बांग्लादेश से वाया असम, वाया वेस्ट बंगाल, वाया बिहार, यहाँ के कई जिलों में ऑलरेडी ये कॉरिडोर की छाप आ चुकी है. और वही कॉरिडोर वहां से लेके वो कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक बन रहा है. सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज चेन्नई के मैथमेटिकल मॉडल के अनुसार संपूर्ण उत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों की बेल्ट का प्लान अब नजर आ रहा है. ये बेल्ट भारत नेपाल सीमा से होते हुए उत्तर पूर्वी भारत तक फैलती चली जा रही है. वास्तव में भारत का नेपाल के साथ लगता हुआ सीमा, बांग्लादेश के साथ लगती हुई सीमा, और विशेषतः पूर्णिया से आगे का पूरा पूर्वांचल, वहां जो परिवर्तन हो रहे हैं वो इतने बड़े हैं, वास्तविकता में इतने बड़े हैं, कि किसी भी राज्य के लिए उस प्रकार के परिवर्तनों को संभाल कर अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर पाना संभव नहीं होता. बांग्लादेशियों ने मुस्लिम बंग भूमि की मांग इस देश के अंदर कर रखी है कि हमें हिंदुस्तान के अंदर ही एक मुस्लिम बंग भूमि चाहिए. एनदर पार्टीशन इज कमिंग, एनदर बांग्लादेश इज कमिंग. इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष रह चुके श्री टीवी राजेश्वर जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उन्होंने लिखा था, भविष्य में भारत के पूर्वी छोर पर एक और नया बांग्ला भाषी मुस्लिम मुल्क उभरने का खतरा है. पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा सुरक्षा का खतरा अगर किसी और राज्य को है तो वो है असम. असम के राजभवन ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम भूमिका अदा की है. असम के गवर्नर जनरल अजय सिंह ने हाल में एक रिपोर्ट यूनियन होम मिनिस्ट्री को पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि 6000 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हर रोज असम के अंदर दाखिल हो जाते हैं. इससे पहले 1998 में जनरल एस के सिन्हा ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एक ऐसी रिपोर्ट पेश की थी जिसमें दिल दहला देने वाली बातें थी. 42 पेज की इस रिपोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा ने कहा, लंबे समय से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र उत्तर पूर्वी भारत के लिए भयंकर खतरा पैदा कर रहा है. असम को बाकी भारत से जोड़ रही तंग जमीनी कड़ी को काट देने की योजना बनाई जा रही है. अगर ऐसा करने में उन्हें कामयाबी हासिल हो गई तो उत्तर पूर्वी भारत को देश से अलग किया जा सकता है. घृणात्मक प्रचार के साथ की जा रही चुपचाप घुसपैठ असम के निचले भागों को भारत से काटने का काम कर रही है. असम के ये भाग भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है. घुसपैठ के कारण ये जिले मुस्लिम बहुल होते जा रहे हैं. करंग जिला जो कि सीमा पर नहीं है, वहाँ भी घुसपैठिए भारी तादाद में पहुँच चुके हैं. असम में चार रास्ते को चार आली कहते हैं. हम मंगलदाई चार आली पे खड़े हैं इस वक्त और यहाँ पर बहुत भीड़ है. हम लोगों से बात कर रहे हैं. आपका नाम क्या है? बाबुल फजर अली. क्या काम करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं. जाकिर हसन. रुस्तुम अली. लाल बादशाह. आपका नाम क्या है? मेरा नाम मतलब अली. हमारा नाम मोमिन अली. मुजामिल मुशरफ हुसैन. आपका क्या मातृभाषा क्या है? हम लोग का मातृभाषा बांग्ला. दिल्ली में खबर आती रहती है कि यहाँ बहुत सारे लोग बांग्लादेश से आ गए हैं, ऐसा है क्या? आओ तो सही है. क्या कितने लोग बांग्लादेश से आ गए दरांग जिले में? बहुत आते हैं, बहुत आते रहे, हिसाब नहीं है. नाउ द डेमोग्राफिक पैटर्न ऑफ असम इज चेंजिंग. आउट ऑफ 49 ट्राइबल बेल्ट्स एंड ब्लॉक्स, नथिंग इज देयर. All tribal belts and blocks are occupied by illegal Bangladeshis. Forest land is occupied by Bangladeshis. Agricultural land is occupied by Bangladeshis. The whole demographic pattern is not changing. So is the case of Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh, Meghalaya. I feel if the present trend continues with the existing type of Indian leadership, another 50 years, Assam may be embraced by the map of Bangladesh. केवल आर्थिक कारणों की वजह से घुसपैठिए स्वतः भारत में घुसते चले जा रहे हैं, ये मान लेना एक गलतफहमी होगी. अब प्रमाण मिलने शुरू हो गए हैं कि बांग्लादेश का सरकारी तंत्र योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठ करा रहा है. 4 मार्च सन 2005, असम ट्रिब्यून डिब्रूगढ़.
बांग्लादेश अपने लोगों को असमिया भाषा सिखाकर असम में घुसपैठ करा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब तीन बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए और पुलिस को उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने बताया कि भारत के एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को वोट देकर उन्हें राजनीतिक संरक्षण हासिल हो जाएगा। कुछ राजनेता और कुछ अफसर बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए गैर कानूनी तौर पर राशन कार्ड और इलेक्शन आईडी कार्ड बनवा देते हैं। रिश्वत लेना भारत के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो चुका है। 1993 में जो मुंबई ब्लास्ट हुए थे उसमें जो आरडीएक्स सप्लाई किया गया था उसके लिए 20 लाख रुपए की रिश्वत एक कस्टम्स ऑफिशियल को दी गई थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, ये बात जाहिर हुई इस घुसपैठिए से बात करके। आपका नाम क्या है? नरगिस। आप कहाँ से आई हैं? हम तो गांव से ही, बांग्लादेश से ही है, बचपन से ही पे। कभी आपको पुलिस यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है? करती थी, अब हमें नहीं करती लेकिन बाकी लोगों को करती है। अब आपको क्यों नहीं निकालने की कोशिश करती? हम लोग कलकत्ते के बना हुआ कुछ है हमारे पास। कलकत्ते से क्या बना आपके पास? तो हम उधर से रह के आए थे कुछ दिन, उधर से हमें प्रूफ है। अच्छा, तो कलकत्ते में आपके लिए क्या प्रूफ बनाया गया? पता नहीं कोर्ट से कुछ बनाया। ये किसका राशन कार्ड है? हमारे पापा का है। बांग्लादेश से जब वो आए तब इनका राशन कार्ड भारत में कब बना? अभी बहुत साल पहले। किसने बनवाया था इनका राशन कार्ड? हमारे पापा ने बनवाया था। और किसने? नहीं, किसकी मदद से बनवाया था ये नहीं पता। आप कौन सी पार्टी को वोट देते हैं? कांग्रेस को। जो जो इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा ये एक पॉलिटिकल लॉबी की तरह से काम करेंगे और दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द वोटिंग पैटर्न। जिसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ इंडिया में पश्चिम बंगाल बोलिए इस मामले पर मुंह नहीं खोलना चाहते हैं क्योंकि उनको सॉलिड ब्लॉक वोट में ही जाता है और सब राजनीतिक नेता इस ब्लॉक वोट के पीछे दौड़ते हैं। आज आसाम की क्या स्थिति बन गई है? स्थिति तो काफी नाजुक है इन द सेंस अब अगर देखिएगा कि इन प्लेसेस लाइक धुबरी, हालाकांदी, कछार, ये सारे in the entire belt if you go you will feel that you are in Bangladesh or in Pakistan, not in India. Dhubri jila jahan 75% musliman hai, Kishanganj mein 70 ke aas paas honge, Murshidabad mein 70 ke aas paas honge. Itna bada parivartan hua hai. Bahut sare sthan yahan aise hain jahan par ab bhartiya dharmavalambi nahi reh sakte hain. Dhubri mein 1991 ke census ke mutabik musalmanon ki jansankhya 70.4% thi. 2001 के सेंसस में ये संख्या 74.3% तक पहुंच गई। इसी प्रकार गोलपाड़ा में मुसलमानों की संख्या 50.2% से 53.6% पहुंची, हिलाकांडी में 54.8% से 57.6%, करीमगंज में 49.2% से 52.3% और कछार में 34.5 से 36% तक मुसलमानों की जनसंख्या पहुंच गई है। ये बांग्लादेश है और ये असम का ये दो जिले हैं, करीमगंज और हैलाकंडी, दोनों ही आज ये मुस्लिम मेजोरिटी जिले बन गए हैं क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में बांग्लादेशी आ गए हैं। असम के दूसरे चार जिलों में बारपेटा, नागांव, मारीगांव और दरांग में मुसलमानों की जनसंख्या 59.4%, 51%, 47.6% और 35.67% तक पहुँच चुकी है। मारी गांव में तो 2001 के सेंसस के मुताबिक अभी भी 47% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है जिसमें काफी तादाद जो है बांग्लादेशी की है और बोनगाय गांव में भी यही होने वाला है और कछार में भी यही होने वाला है। ये पूरा रीजन जो है ये सारा डिस्टेबलाइज हो गया है। इंडिया में एक हिस्ट्री है इस रिलीजियस बेसिस पर डेमोग्राफी पर पार्टीशन हुई थी और इस पर बहुत कुछ होने वाला है। कश्मीर में जो प्रॉब्लम हुई है डेमोग्राफी इम्बैलेंस इसीलिए हो गया और हिंदुओं को निकाल दिया गया, सिर्फ 4 लाख हिंदू तो उनको निकाल दिया 15 साल, वापस तो कहीं नहीं। तो इसमें एक इस्लामिक डायमेंशन जरूर है। 1947 में इससे कहीं छोटे परिवर्तन हो रहे थे जहां जहां विभाजन हुआ, उनको नहीं हम झेल पाए, हमें विभाजन स्वीकार करना पड़ा। अब जो परिवर्तन हो रहे हैं वो तो बहुत बड़े परिवर्तन है। And this ISI and Al-Qaeda, they are organizing the illegal Bangladeshis with arms and ammunition. But central government is keeping mum. So it's very surprising and it's a question of threat to the identity of the indigenous people. Guwahati South ka ek ilaka hai Siju Badi. Sutron ke anusar is kshetr mein Bangladeshi ghuspaithiyon ka bolbala hai. Yahan ke sabse unche sthan par ek madrasa bana hua hai. Wahan ke maulvi se hamari baatcheet hui.
यहाँ पे बांग्लादेश का कोई आदमी आता है क्या? बांग्लादेश का आदमी इसे भ्रमण के लिए आता है, कभी कभी आता है तो लोग रुकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई रहने के लिए कोई एक भी बांग्लादेशी नहीं है गुवाहाटी में? ऐसा बांग्लादेशी तो हम लोग का ऐसा नजर में नहीं आता है यहाँ पर, एक भी बांग्लादेशी है नहीं उस एरिया में। देखिए जो एरिया का बात आप बोलते हैं वो एरिया है बांग्लादेशी का कंसंट्रेशन एरिया। बांग्लादेशी गुवाहाटी ग्रेटर गुवाहाटी में एक दिन में फ्लाइंग पॉपुलेशन लगाकर करीब 2 लाख से बांग्लादेशी होगा। इसका अंदर करीब 1 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी होगा परमानेंट सेटलर्स। और सारा आसाम में मेरा हिसाब से 70 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी हैं। रोजगार के साधन हैं, चाहे आप पान की दुकान लगाएं, या आप चाय बेचें, या आप रेड़ी लगाएं, या सब्जी बेचें, या ठेला लगाएं, वो जो रोजगार के साधन हैं, जो कम से कम 35-40 लाख वो आज बांग्लादेशियों ने हथियार लिए हैं और असम में इसी कारण से बड़ी भारी समस्या। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अनुसार अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल 79 लाख, असम 50 लाख, बिहार के उत्तर पूर्वी जिले कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया के अलावा झारखंड के साहिबगंज जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 4,75,000 तक पहुंच चुकी है। त्रिपुरा में 3,75,000 बांग्लादेशी अपना बसेरा बना चुके हैं। सितंबर 2003 में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया था। उस एफिडेविट में ये कहा गया था कि कम से कम 13 लाख बांग्लादेशी दिल्ली में मौजूद हैं। ड्यूरिंग कारगिल वॉर 3,000 इलीगल पाकिस्तानी ट्राइड टू एंटर इंडिया, सो देयर वाज वॉर। हियर लाख्स ऑफ इलीगल बांग्लादेशीज एंटरिंग नॉर्थ ईस्ट विथ आर्म्स विदाउट आर्म्स। इट्स अ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेस्ट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कीपिंग मम। भारत सरकार ने एक बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में एक टास्क फोर्स बनाई थी, श्री माधव गोडबोले उसके चेयरमैन थे। दुर्भाग्य है कि उस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया, परंतु मुझे बताया गया कि उस रिपोर्ट के अनुसार करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ कर चुके हैं। ये उन्होंने स्पष्ट ये फिगर लिखी है और ये फिगर लिखी थी करीब 2 साल पहले, और मैं समझता हूं ये फिगर अब और बढ़ गई होगी। हमारा देश इस समय भी ऐसे तकरीबन 5 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स को टारगेट कर रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, खासकर जब भविष्य में वो बांग्लादेशी आतंकवादियों को पनाह देंगे। बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तानी गरीबों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। गरीबी मिटाने की सरकारी स्कीम्स और स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी सब्सिडी के करोड़ों रुपए घुसपैठियों पर जाया किए जा रहे हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक अनुसंधान के अनुसार हर साल बांग्लादेशी घुसपैठिए बांग्लादेश को भारत से 15,000 करोड़ रुपए भेजते हैं। उनका मानना है कि हर घुसपैठिया रोजाना औसतन 30 रुपए बचा लेता है। बांग्लादेश की आबादी का 15-20% के हिस्सा जो है, आबादी का 15-20% हिस्सा जो है वो उन्होंने भारत में धकेल दिया है। और कौन लोग आए हैं यहाँ, वो कोई साइंटिस्ट या आईटी स्पेशलिस्ट नहीं है, वो ग्रेजुएट भी नहीं है, मैट्रिकुलेट भी नहीं है। जो लोग आए हैं वो अनपढ़ हैं और गरीब से गरीब लोग आए हैं। अब क्या है कि अब बांग्लादेशी मेड आ रही है और घर में काम कर रही है, थोड़ा सस्ते में काम कर रही है, या मिल जा रही है, यही है मतलब मेड खोज रहे हैं, नहीं मिल रही तो चलो भाई एक मिल गई। अब कायदे से क्या करना चाहिए कि ये बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर है तो इसको नहीं काम देना चाहिए, इकोनॉमिक बॉयकॉट करना शुरू कीजिए, इनका आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए। किसी मुस्लिम बांग्लादेशी को कोई रिक्शा का लाइसेंस, कोई स्कूटर का लाइसेंस, किसी घरों में नौकरी, फैक्ट्रियों की नौकरी, हम लोग एक प्रकार के जिम्मेदार हैं। शत्रु को अपने घर में घुसने का मौका दे रहे हैं। भारत बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। इसे पार करके घुसपैठियों ने बांग्लादेश से सटे भारतीय जिलों की शक्ल को पहचानने लायक नहीं छोड़ा है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। संकट केवल इन राज्यों पर नहीं है, भारत के अस्तित्व पर है, क्योंकि कश्मीर गया तो भारत गया, आसाम गया तो भारत गया, मेघालय गया तो भारत गया। इसमें किसी की क्षति नहीं होती, क्षति देश की होती है, पूरे राष्ट्र की क्षति होती है। बिहार के किशनगंज जिले में टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट के मुताबिक
सर्वे में भाग लेने वाले 96% बांग्लादेशियों ने बताया कि वो चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। टास्क फोर्स का मानना है कि बांग्लादेशी अपने विधायकों के माध्यम से पुलिस और प्रशासन के कामकाज में कामयाबी से दखलअंदाजी करते हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि घुसपैठिए भारतीय राशन कार्ड बनवाकर वोटर लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट के मुताबिक असम की 32% विधानसभा सीटों पर और पश्चिम बंगाल की 18% सीटों पर घुसपैठियों के वोट हार जीत का फैसला करते हैं। सेंटर फॉर द स्टेट एंड साउथ ईस्ट एशिया स्टडीज के अनुसार पश्चिम बंगाल की 292 विधानसभा सीटों में से 52 सीटों पर बांग्लादेशी घुसपैठिए निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा तकरीबन 100 दूसरी सीटों पर बांग्लादेशी घुसपैठिए खासा असर रखते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब पश्चिम बंगाल और असम की विधानसभाओं पर घुसपैठियों का कब्जा हो जाएगा। असम में 1983 में जो इलेक्शन हुई उसमें कांग्रेस की जो जीत हुई वो घुसपैठिए जो असम में आए थे उनके वोटों पर जीत हुई। लंदन टाइम्स ने लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहां हिंदुस्तान के लिखा कि इट वॉज वर्स देन डिफीट। उत्तर पूर्वांचल में आज करीब 400 विधानसभा क्षेत्रों में से 100 से अधिक ऐसी हैं कि जिनमें जब चाहे तब ये बांग्लादेशी ही वहां या तो स्वयं जीतेंगे या आपको जिताएंगे, जिसको वो चाहेंगे वही जीतेंगे। 1992 की केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेशी सीमा से सटे भारतीय जिलों में जनसंख्या की बढ़ोतरी तेजी से हो रही है। दूसरी तरफ भारतीय सीमा से सटे बांग्लादेशी जिलों की आबादी में वृद्धि दर काफी कम हो रही है। बांग्लादेश के ग्रेटर जैसोर और ग्रेटर खुलना जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर 1.97 और 1.58% है, जबकि इन्हीं जिलों से सटे भारतीय जिले उत्तर 24 परगना में ये जनसंख्या की बढ़ोतरी 3.16% है। बांग्लादेशी जिला ग्रेटर मेमनसिंह में वृद्धि दर 1.82% है, लेकिन इससे सटे मेघालय के गारो हिल्स में ये ग्रोथ रेट 3.84% है। त्रिपुरा में ये वृद्धि दर 3.36% की रफ्तार से हो रही है, लेकिन इससे सटे हुए बांग्लादेशी जिले ग्रेटर कुमिला में वृद्धि दर केवल 1.83% है। स्पष्ट है कि बांग्लादेशी जिलों से भारतीय जिलों में घुसपैठ भारी संख्या में जारी है। भारत में हो रही बांग्लादेशी घुसपैठ के सबूत खुद बांग्लादेश से मिलने शुरू हो गए हैं। 4 अगस्त 1991, द मॉर्निंग सन, ढाका। 1 करोड़ पीपल मिसिंग, 1 करोड़ लोग लापता। 1991 की बांग्लादेशी प्रिलिमिनरी सेंसस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के 1 करोड़ लोग लापता हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की जनसंख्या 10 करोड़ 80 लाख है, जबकि हाल में इस्तेमाल किया जा रहा आंकड़ा था 11 करोड़ 75 लाख। स्पष्ट है 1981 और 1991 के दरमियान करीब 1 करोड़ लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए। बांग्लादेशी डेमोग्राफर शरीफा बेगम की रिपोर्ट ने सारी बची कुची कसर पूरी कर दी। उन्होंने एक एनालिसिस करके बताया कि 1981 और 1991 के दौरान के ही दशक में 1,40,00,000 बांग्लादेशी भारतवर्ष में दाखिल हुए, और ये फिगर, ये तादाद उन्होंने बताई कि जो नॉर्मल तरीके से प्रोजेक्शन से जो बांग्लादेश की आबादी होनी चाहिए उस आबादी में 1,40,00,000 लोगों की कमी थी। बांग्लादेश पे इस पे काफी डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना पड़ेगा, एक कोएर्सिव डिप्लोमेसी कि नहीं ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये आपके आदमी हैं। उनके सेंसस फिगर्स में दिखाया गया है कि इतने लाख आदमी गायब हो गए, उनके सेंसस, उनका, उन्हें कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं, प्रमाण सब उनके पास है। December 12, 2004, संडे टाइम्स ऑफ इंडिया, कोलकाता। जहां जहां भारत में मुस्लिम बहुल इलाके हैं ठीक वहीं पर बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन सक्रिय हैं। टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट की रिपोर्ट कहती है भारी तादाद में हो रही घुसपैठ के कारण पश्चिम बंगाल की बॉर्डर बेल्ट पर मुसलमानों का वर्चस्व हो चुका है। आपका नाम क्या है? एसएम बारी। मोहम्मद अबुल सिद्दीक मोदी। शहीदुल इस्लाम। मोहबुल इस्लाम। फकीर इस्लाम। जहांगीर मंडल। कलाम मंडल। अजीत पाल। हसन उर्जा। याबुद्दीन मंडल। और भाई साहब बोलिए, क्या नाम है आपका? नाम है अबू सुफियान मल्लिक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। मदन दास। हफीकुल रहमान। मोहम्मद मोहम्मद असन। शाहबुद्दीन मोहम्मद।
कि हमने जितने लोगों से नाम पूछे सिर्फ एक को छोड़ के सब मुसलमान है, क्यों है ऐसा? अरे मुसलमान यहाँ ज्यादा है पहले से। क्या स्थिति है मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। 3 जिला मुस्लिम मेजोरिटी हो गया, और भी जिले मुस्लिम मेजोरिटी होने जा रहा है, और भयंकर विपद हमारे लिए बैठा हुआ है आगे। पश्चिम बंगाल के बहुत से जिले या तो मुस्लिम बहुल हो चुके हैं या बनने जा रहे हैं। सन 2001 के सेंसस के मुताबिक मुर्शिदाबाद जिले में मुसलमानों की संख्या 63.7% तक पहुँच चुकी है। मालदा में 49.7%, दक्षिण और उत्तर दिनाजपुर में 38.4%, दक्षिण 24 परगना में 33.2%, उत्तर 24 परगना में 24.2% और नदिया में मुसलमानों की संख्या 25.4% तक पहुंच चुकी है। जिस वक्त की मुस्लिम मेजोरिटी जो जो इलाके होते जाते हैं उन इलाकों पर बांग्लादेश का ही जो साया पड़ने से बांग्लादेश जैसा ही चाल चलन, बांग्लादेश जैसा ही एटमॉस्फेयर हो गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2200 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। पश्चिम बंगाल का अधिकांश बॉर्डर बिना किसी प्राकृतिक बाधाओं के चलता चला जाता है। जीरो लाइन तक खेती होती है और लोग आसानी से आईबी यानी इंटरनेशनल बॉर्डर तक आते जाते हैं। सीमा को पार करके भारत में घुस जाना बांग्लादेशियों के लिए आम बात है। जैसे ही हम बॉर्डर पर पहुंचे, एक बांग्लादेशी बच्चा भारत में घुस रहा था। भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि सीमा पर कोई नो मैंस लैंड नहीं है, इसलिए सीमा के आर पार आना जाना लगा रहता है। हम इस वक्त इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के एक इंटरनेशनल बॉर्डर पिलर पर खड़े हैं। हमारे पीछे बांग्लादेश है और हम इंडिया में खड़े हैं। घुसपैठियों से बात करके ये मालूम पड़ा कि भारत में वो घुसते कैसे हैं। आखिर उनका मोटर्स ऑपरेंडाई है क्या? क्या नाम है आपका? रबीउल इस्लाम। अरे कहाँ से पकड़े गए आप लोग? बम्बई के धुरैन से। आप पे क्या आरोप है? ऐसा ही बंगाली आरोप है, बिना पासपोर्ट या अमीरा दाखिले जी है इसी कारण। बांग्लादेश कोथाय बाड़ी छिलो? जाशर। তো বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকলে কিভাবে? যে দালাল আমাকে নিয়ে গেছিল। কিরকম সংখ্যক লোক নিয়ে আসে বাংলাদেশ থেকে ভারতে? 3 জন, 4 জন, 5 জন, যেরকম যা পায় লোক। দালালের নাম কি? হাসিন। আচ্ছা, দালাল কি ভারতে এসে থাকে না আবার দেশে ফিরে যায়, বাংলাদেশে ফিরে যায়? ভারতেই থাকে। দালাল কোথায় থাকে? দালাল রোডিবান্ধ থাকে, ডাইগার রোডিবান্ধ। সেটা কোথায়? এই হলো বোম্বে। আচ্ছা, দালাল প্রত্যেক লোক বাংলাদেশ থেকে ভারতে লোক ঢোকাতে কত টাকা নেয়? 1500 টাকা। কত? 1500। वो बॉर्डर पे पैसा देके आता है कि भाई 1200 रुपए देके जो है वो भारत से बांग्लादेश जाया जा सकता है, और 1500 रुपए पर पर्सन बांग्लादेश से भारत आया जा सकता है, जिसके अंदर 2 टाइम का खाना भी शामिल है, मतलब पैकेज टूर है। टाउट फिर उसको आगे यहाँ बॉर्डर तक लाता है, वहाँ से वो पैसे लेते हैं। पावर से पैसे लेके और जहाँ देखा BSF का गैप है या जहाँ देखा अंधेरा मिलेगा, जो वो अपनी टैक्टिक्स अपनाते हैं उसमें से बीस में एक एक करके वो घरों में बैठाए रखते हैं। जब देखा कि यहाँ ओपी खड़ा है, घर में बैठाए रखेंगे, जब देखा कि ओपी दाएं दूसरी तरफ चले गया, उस समय वो कोशिश करते निकालने की। कई बार आरोप BSF पे भी लगता है कि वो पैसे लेते हैं। नहीं, ऐसा तो अभी हमारे BSF में तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा है तो हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। अगर कोई ऐसा मिलता है तो उसका BSF सख्त कार्रवाई करती, सजा मिलती है उसको। यदा कदा भ्रष्टाचार की घटनाओं के कारण भी घुसपैठ होती है, पर घुसपैठ अगर हिंदुस्तान में हो रही तो उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे में राजनीतिक इच्छा शक्ति इस घुसपैठ को रोकने की नहीं है। कोलकाता के सेंटर फॉर रिसर्च इन इंडो बांग्लादेश रिलेशंस के मुताबिक पश्चिम बंगाल से हर रोज 20,000 से लेकर 25,000 मवेशी स्मगलिंग के द्वारा बांग्लादेश पहुंचा दिए जाते हैं। ये हमने एक कल पकड़ा है। पकड़ने के बाद आप इन कैटल का क्या करते हैं? हम कस्टम्स को कहते हैं, कस्टम इंकोक्शन। सूत्रों के अनुसार कस्टम से नीलाम की जा रही गायें आमतौर पर फिर से स्मगलर्स के हाथ आ जाती हैं। इसके बाद वो कटने के लिए बांग्लादेश चली जाती हैं। बांग्लादेश से गौ मांस का भारी तादाद में निर्यात किया जाता है। एक साल में बांग्लादेश में औसतन 1,87,000 टन गौ मांस का उत्पादन होता है। ठीक आईबी पर यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं की जा रही है। कारण,
बांग्लादेश की जिद की फेंसिंग एक रक्षा संबंधी ढांचा है और वो आईबी से कम 150 गज की दूरी पर हो। इस 150 गज के दायरे में तकरीबन 500 भारतीय गांव हैं। इनमें कम से कम 35,000 परिवार रहते हैं। जहां ये गांव हैं, वहां पर फेंसिंग को रोकना पड़ता है। इन्हीं गांवों के जरिए घुसपैठ होती रहती है। अगर इन गांवों को फेंसिंग के पीछे खिसका दिया जाए तो फेंसिंग पूरी तरह से हो सकती है। ये जो फेंसिंग वहां से चली आ रही है इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए, सडनली आकर यहाँ क्यों रुक जाती है? ये एक्चुअल में यहाँ आगे गांव आ जाता है जयंतीपुर, तो गांव में जब तक गांव पीछे नहीं आता है तो उस फेंसिंग का कोई यूज नहीं है। पीछे पीछे गांव है, आईबी की तरफ है और रोड गांव के अंदर है, तो जब तक अभी प्रपोजल है गवर्नमेंट का कि इनको पीछे किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा ये गांव को नहीं पता। क्या आप जाकर देख सकते हैं कि उस फेंसिंग को काट के उसके अंदर से आदमियों के घुसने के लिए आसानी से रास्ता बनाया जा सकता है? रास्ता बनाया गया है। फेंसिंग बॉर्डर की फेंसिंग जो है बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। हम लोगों को इसमें मदद लेनी चाहिए इजराइलीज से, जो कि फेंसिंग बना रहे हैं सुसाइड बॉम्बर से अपने आप को बचाने के लिए, और उनका फेंसिंग का टेक्निक जो है वो फुल प्रूफ है। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सील द इंडो पाक बॉर्डर इन 2 years, व्हाई नॉट द इंडो बांग्ला बॉर्डर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन? व्हाई नॉट? सी, आफ्टर असम एकॉर्ड इट वाज 19 इयर्स फर्स्ट। द बॉर्डर इज फॉर अस थ्रूआउट नॉर्थ ईस्ट रीजन। द बॉर्डर इज फॉर अस, यू कैन गो टू Bangladesh without visa and passport. And most interesting and most dangerous thing that the ISI agency is coming through this porous border. Task force ने घुसपैठ के कई कारण बताए, जैसे border outpost के बीच का फासला 10 से 40 किलोमीटर तक हो गया है। Task force का मानना है कि ये फासला 3 से 4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो इतने सारे लोग घुस गए हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो कह रहा है कि 1.5 करोड़ से ऊपर घुस गए हैं बांग्लादेशी भारत में, तो आप लोग जब खड़े होकर यहाँ देख रहे हैं तो कैसे घुस जाते हैं? हम तो रोकते हैं उनको। कैसे रोकते हैं? हम उनको रोकते हैं इधर अपने मैन पावर से। 1,000 गज में दो आदमी खाली डिपूट है। अब उसमें गैप्स हो जाता है, अंधेरा है, जैसे देखेगा तब तक वो नहीं आने देता, आएगा तो ही विल अप्रेंड, लेकिन जैसे गैप्स हो जाते हैं, गैप्स में प्रोबेबिलिटी है कि सब में भी स्नेक। कश्मीर में मिलिटेंसी से लड़ने के लिए बीएसएफ की कुछ बटालियंस इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से हटा ली गई थी। बॉर्डर टू इन्फोर्स की बटालियन जो विड्रॉ की गई थी वो सब की सब वापस डिप्लॉय की जाए, और उनका जो नॉर्म है डिस्टेंस बिटवीन द टू पोस्ट उसको बरकरार रखा जाए। घुसपैठ होने का एक महत्वपूर्ण कारण सीमा पर भारत बांग्लादेश के सटे हुए गांव और आपसी रिश्तेदारियां। क्या नाम है आपका? तायुद्दीन। बांग्लादेश किस तरफ है? ये तो नहीं, ये तो 0.9 है। आप जाते हैं बांग्लादेश में? नहीं नहीं, कभी नहीं गए वहाँ पे? कोई नहीं। कोई आता है उस गांव से कभी आता है यहाँ? नहीं आता नहीं। कभी बांग्लादेश से गांव से कभी भी एक भी आदमी यहाँ नहीं आता कभी भी? कभी आया तो जरूरत है थोड़ा थोड़ा। क्या जरूरत है? ये तो गुरु पकड़ी है ना तो छुट गया आएगा भारत से, उसे ले जाएगा। तो आपका भी कभी बकरी उधर रहता होगा तो क्या करते हैं? ले आएगा। तो इसका मतलब आपका आना जाना लगा रहता है? थोड़ी। वहाँ पे लोगों के साथ दोस्ती है आपका? ये तो सब रिलेशन, ब्लड रिलेशन है तो सब गांव से, इसलिए थोड़ा रिलेशन तो है। क्या आपके वहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं? हाँ रहते हैं तो जरूर, जो काका है, जेठा, आंटी, अंकल सभी है। दूसरा इनके रिलेशन आप जैसे एक जैसे धर्म के हैं, एक जैसी लैंग्वेज के हैं, एक जैसा काम करते हैं तो रिलेशन है, तो आपस में मिले हुए हैं तो वो उसका फायदा उठाते हैं कि और दूसरा उनके से आएगा इनके घर में आके बैठ जाएगा, अगर कोई आ गया ओपी आ गया तो बोलेगा जी मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई का है, तो आइडेंटिफिकेशन भी एक प्रॉब्लम है यहाँ कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो आपको लगता है कि जो भारत के साइड पे बॉर्डर पे कुछ लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देते हैं? प्रोबेबिलिटी पूरी प्रोबेबिलिटी है। कई बार राजनेता बांग्लादेशी समस्या को सांप्रदायिक रंग दे देते हैं, सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के विवाद में उलझाने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश के नाम पर मुसलमानों को वहां से उखाड़ रहे हैं, ये गलत बात है, उसके विरोध में उन्होंने कहता है नहीं बांग्लादेशी नहीं है, ये भारतीय मुसलमान है, आप लोग सांप्रदायिक बात कर रहे हैं, ये दिस इज अ कैंपेन अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स, ये इंडियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट कोई कैंपेन नहीं है, ये सिर्फ घुसपैठियों के खिलाफ है।
बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों के विषय में जानकारियां हम खुद मुसलमानों से हासिल कर पाए। आपका नाम क्या है? रफीक अंसारी। क्या काम करते हैं आप? टायर पंचर का। ये जगह कितनी दूर है बांग्लादेश बॉर्डर से? 42 किलोमीटर। बांग्लादेश से कैसा संबंध है? आप लोगों को कभी जाना होता है बांग्लादेश? नहीं, हम लोग का कभी जाना नहीं होता है। और वहाँ से लोग आते हैं कभी? हाँ, वहाँ से तो लोग आते हैं बहुत करके, और बॉर्डर से पास हो जाते हैं किसी भी हाल में घुस घास दे के। इधर में तो बांग्लादेश ही भरा हुआ है। कितने लोग होंगे बांग्लादेश से यहाँ पे? यहाँ पर मैं पूरा मोहल्ला में घूमने से 100-200 घर बांग्लादेश का मिलेगा। बांग्लादेशी ज्यादातर काम करते हैं मजदूरी का, और उनकी औरतें कोठियों पे जाकर काम करती हैं मजदूरी का, बर्तन मांजने का। और कितनी तादाद होगी बांग्लादेशियों की यहाँ पर? बांग्लादेशी की तादाद है यहाँ पर कम से कम 2500-3000। दिल्ली पुलिस के अनुसार दिल्ली में 13 लाख बांग्लादेशी हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? ये है कि होंगे लाख है करीब, 1 लाख के करीब तक। 1 लाख के करीब क्या है? बांग्लादेशी होंगे। क्या दिल्ली में एक भी बांग्लादेशी नहीं है? क्या सबूत है? प्रॉब्लम का टैकल करने तो दूर दूर से बात है, पहले प्रॉब्लम अक्नॉलेज करने में भी उन्होंने राजी नहीं है। कई बार घुसपैठिए खुद ही स्वीकार कर लेते हैं कि वो बांग्लादेशी हैं। आपका नाम क्या है? परवीन। कहाँ से आए आप? बांग्लादेश से। कब, कितने साल हो गए आपको दिल्ली में आए हुए? 15 साल हो गए हैं। आपका नाम क्या है? असादुल। आपकी माँ का नाम क्या है? चारा बेगम। और पिताजी का नाम क्या है? गुलाल खान। कौन सी जगह से आए आप लोग? बांग्लादेश। माना कि सर 100 में से 10 बांग्लादेशी है, और बाकी जो यहाँ पैदा हुआ बांग्लादेशी थोड़ी है सर। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बच्चे भारत में धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई खास कानून ही पैदा किए बनाया जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करे, कि जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं इनके बांग्लादेशियों के, उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। इस समस्या का सबसे आसान समाधान है घुसपैठियों को जल्दी से जल्दी पहचान कर बांग्लादेश भेज दिया जाए। तो अगर माँ बाप जाएंगे बांग्लादेश तो बच्चों को छोड़ के तो नहीं जाएंगे, तो जाहिर है कि बच्चों को लेके जाएंगे। तो ये समस्या, मतलब जितनी देर करेंगे इस समस्या से जूझने में उतनी मुश्किल बढ़ जाएगी। मतलब फिर जब ये बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और फिर ये तो बिल्कुल ही भारत के सिटीजन, और फिर उनके बच्चे भी भारत के सिटीजन, तब तो फिर मतलब क्या करेंगे। दिल्ली की इस बस्ती में पुलिस कभी कभी कार्रवाई करती है, लेकिन यहाँ नेताओं का बोलबाला है। पुलिस की गाड़ी आता है, बैन आता है, सारे उठा के ले जाता है रात को। कभी 3 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है, कभी बीवी बच्चे माँ सो जाते हैं, सबके सामने बदतमीजी ऐसे ले जाते हैं। गलत बात है ना सर? कभी आपको ले गए? हमें कैसे ले? हमारे साथ में तो एक ही बोला, हमारा धर्मिंदर मारो जो भूगोल का, वो मालिक है हमारी, वो नेता आपको पता है। उसने कहा कोई भी पुलिस वाला अगर तुझे हाथ लगाए मेरे पास फोन कर, उसके तो मैं बर्दी उतार बदूंगा। क्योंकि वो स्थानीय छुटभैया नेता वो सोचता है कि 100 आदमी को हमने राशन कार्ड दिलवा दिया तो 100 वोट हमारे पक्के हो गए। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने में सबसे बड़ी बाधा है उनके राशन कार्ड। राशन कार्ड एक हो जाना ही कोई प्रमाण नहीं है। अगर आप गोपनीय छानबीन करें तो आपको हमेशा पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति के प्रभाव से और कब और तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके राशन कार्ड इस आदमी ने लिया। अगर आप चाहें तो अभिसूचना तंत्र के द्वारा, पुलिस के गोपनीय इकाई द्वारा ये सब बातें पता हो सकती हैं। लेकिन क्या हमारे देश के नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालना चाहते हैं? बांग्लादेश को किस लिए इतना टारगेट अभी इस वक्त किया जा रहा है? इसलिए कि उसके एक बॉर्डर में वेस्ट बंगाल है, उसके एक बॉर्डर में त्रिपुरा है, और यहाँ पर से लेफ्ट चुन करके आते हैं इसलिए? नहीं, ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। ये विषय यह है कि पूरे भारत में 1.5 करोड़ फॉरेन नेशनल्स घुस चुके हैं, इसके बारे में आपको कोई कंसर्न है कि नहीं? सुनिए, भारत के भी उतने ही विदेशों के अंदर में नौकरी करते हैं, और इंग्लैंड और अमेरिका से लेकर के, जर्मनी से लेकर के, सब जगह से लेकर के यहाँ तक, वो इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं है। अच्छा, वो नौकरी करने गए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से, वो एक लॉफुल प्रोसेस से वहां गए हैं। हम उनको बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स, आप ठीक है, बांग्लादेशी क्रिमिनल्स हैं, बांग्लादेशी टेररिस्ट हैं, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, क्या क्या कह करके आप उनको कहना चाहोगे? हमारे बहुत से नेताओं को बांग्लादेशी घुसपैठिए दिखाई नहीं देते या वो देखना ही नहीं चाहते। 10 साल पहले हितेश्वर साइकिया, उन्होंने आसाम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा 30 लाख बांग्लादेशी आसाम में घुसे हैं।
दो दिन के बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने ये कुछ नहीं बोला। 2004 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स श्री जायसवाल लोकसभा में बोला कि 50 लाख घुसपैठियों ने आसाम में प्रवेश किया है। दो दिन के बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं ये गलत बात है, ये कैजुअल स्टेटमेंट है। लोकसभा में कोई कैजुअल स्टेटमेंट देते हैं? 16 अप्रैल सन 2005 को बांग्लादेश राइफल्स ने बीएसएफ के एक जवान जीवन कुमार को त्रिपुरा बॉर्डर पर निर्मम तरीके से उसकी हत्या करी। इसी तरह 18 अप्रैल सन 2001 को 16 बीएसएफ के जवानों की हत्या करके बांग्लादेश ने अपने इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ा। लेकिन भारत बार बार बांग्लादेश को कंसेशन देता रहता है। मेरे तो अंदर आग उबल गई थी और मुझे भारत सरकार का जो बड़ा एक क्या कहा जाए कमजोर और पुरुषार्थविहीन जो इनकी प्रतिक्रिया थी उसकी मैंने बड़ी भर्त्सना की थी, बड़ी आलोचना की थी और वो आज की तारीख में भी आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि इतने जवानों को इस तरह से मारा गया और कोई किसी ने मतलब भारत सरकार ने इतनी दबी जबान से आवाज उठाई और ये कहा कि नहीं हम इस पे ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे तो ये प्राइम मिनिस्टर का साहिबा इलेक्शन में हार जाएंगे। हार तो वो ऐसे भी गई और आप हर तरह से हार गए। इन कंपेरिजन टू इंडिया बांग्लादेश इज ए माउस बट इन फ्रंट ऑफ ए माउस ए जायंट लाइक इंडिया इज नाउ बिहेविंग इन ए मैनर व्हिच इज नाउ नॉट कॉम्प्रिहेंसिबल टू मी। क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी में है, ना बीजेपी में है, ना कम्युनिस्ट पार्टीज में है, ना बाकी पार्टीज में है, क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है, इस वजह से ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। आने वाले खतरे की घंटी दिल्ली की इस बस्ती में रह रहे नौजवानों के स्वर में सुनाई पड़ती है। आतंकवादी कैसे बनता है आदमी? आतंकवादी इसीलिए बनते साहब, जिस तरह साहब बड़े बड़े पुलिस बेकसूर में ले जाएंगे गरीब आदमी को, वो क्या करेंगे? जैसे कि देखिए आवाज उठाते हैं बागी कहलाते हैं, अगर हथियार उठाते हैं तो आतंकवादी कहलाते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना कोई मुश्किल काम नहीं। दिल्ली में ही मोहल्ले मोहल्ले में बांग्लादेशी देखते हैं, सड़क उनको सड़क चलते हम तो देख के बता दें कि ये बांग्लादेशी है और थोड़ी छानबीन करिए उसका प्रमाण भी मिल जाएगा। अगर आप सारे नहीं आधे भी आइडेंटिफाई कर लें, 25% भी आइडेंटिफाई कर लें तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि वो लोग अगर मतलब उनके राशन कार्ड और उनके वोटिंग राइट ले लिए जाएंगे तो समझ जाएंगे कि यहां अब दाल नहीं गलेगी। आइडेंटिफाई करने के तो बहुत से तरीके हैं, हम लोग जानबूझ के नहीं करते इसलिए नहीं हो पाते आइडेंटिफाई, वरना जो लोग पहचानते हैं बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर को वो तो देख के भी बता सकते हैं, इनकी बोली से बता सकते हैं। इंद्रधनुष को बंगला में रामधनु किया जाता है पर बांग्लादेशी बंगला में क्योंकि वो लोग राम के नाम ले लेंगे इसलिए उसको रंगधनु बना दिया। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों का हौसला बुलंद है। दिल्ली जैसा शहर में जमुना पुस्ता में बांग्लादेशियों ने एक पुलिस स्टेशन जला दिया है। आप देखेंगे कि जोधपुर जैसा जाएगा बॉर्डर बाड़मेर जोधपुर राजस्थान के ये सब जगह में बांग्लादेशियों ने पहुंच गया है, कश्मीर में पहुंच गया है। ऐसा माना जाता है कि गुजरात में हिंदू कट्टरपंथी राज कर रहे हैं। हकीकत यह है कि यहाँ ठीक पुलिस की नाक के नीचे बांग्लादेशियों की भरमार है। यहाँ पे जो चंदोला तालाब है अपना उसके आसपास में ये लोग पेरिफेरी में लोग रहते हैं और उनकी बस्ती हम कह सकते हैं शायद 25,000 के आसपास, ज्यादा से ज्यादा एग्जैक्ट फिगर तो कोई उपलब्ध नहीं है कि वो हो सकती है। और ये एक ही जत्था पे वहाँ पर रहते हैं, उसमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो कोई सिर्फ भीख मांगने को जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उसको बेचते हैं या तो ये भंगा इकट्ठा करना थे या जो तालाब है वहाँ से मच्छियाँ निकल के करते हैं। बेसिकली बांग्लादेशी हैं तो वो लोग तो मच्छी के तो खास शौकीन होते हैं तो वो चोरी भी होती है, जैसे कि चंडोला तालाब है तो वो तो उनको लीज पे दे दिया गया है, इरीगेशन का है तालाब। लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक 401 तिहाड़ जेल के अंदर बंदी हैं, 401 में से 98 मुस्लिम बांग्लादेशी तिहाड़ जेल के अंदर लूटमार डकैती स्मगलिंग वैश्यावृत्ति के अंदर रिवॉल्व, हाईएस्ट नंबर सबसे अधिक बांग्लादेशी। भारत में जुर्म करना और फिर सीमा पार बांग्लादेश में गायब हो जाना बांग्लादेशी क्रिमिनल्स के काम करने का तरीका है। दिल्ली में ये बांग्लादेशी हर तरह के क्राइम में इन्वॉल्व पाए गए हैं, या तो अनऑथराइज रूप से सिंपल अनऑथराइज तरीके से रहने से लेकर मर्डर तक में,
रॉबरीज में, चोरी में, बर्गलरी में, हर तरह के क्राइम में ये लिप्त पाए गए हैं। एट वन पॉइंट और द अदर ये अरेस्ट हुए हैं कई बार। टास्क फोर्स का मानना है कि भारत में ठीक भारत बांग्लादेश सीमा के पास 905 मस्जिदें और 439 मदरसे बन चुके हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के भीतर सीमांत प्रदेश में 960 मस्जिदें और 469 मदरसे हैं। Do you think suicide bombers are going to emerge out of these madrasas? I think they probably already have. गलती तो हमारी, क्योंकि ये तो खुलेआम हो रहा है, कोई छुप छुपा के नहीं चल रहा है ये काम। ये मदरसे बन रहे हैं, मस्जिद बन रहे हैं, ये आतंकवादी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हमारे सुरक्षा बल, क्या कर रहे हैं हमारे राजनेता और क्या कर रहा है भारत की जनता। पाकिस्तानी अखबार फ्राइडे टाइम्स ने बांग्लादेशी मदरसों पर रोशनी डाली। इसके मुताबिक बांग्लादेश के मदरसे पाकिस्तानी मदरसों की तरह ही पढ़ाई लिखाई कराते हैं, ये ज्यादातर देवबंदी हैं। अखबार का कहना है कि अलकायदा का पैसा बांग्लादेश पहुंचाया जा रहा है, नतीजा आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स बांग्लादेश में तालिबान और अलकायदा के लिए योद्धा तैयार कर रहे हैं। People have emerged from Bangladesh and gone into the worldwide jihadi movement. Yeah. यहाँ पे भारत की सीमा खत्म हो जाती है। सीमा खत्म होने से पहले यहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है। इस गांव का नाम है खेकी डंगर। ये यहाँ पे कितने लोग नमाज पढ़ते हैं रोज? 20-25 यहाँ लोग हर दिन नमाज पढ़ रहा है। और मदरसा किधर है? मदरसा तो यही है, यही मदरसा। इसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं? 20-25 टास्क फोर्स के अनुसार मदरसों में इस्लामी शिक्षा अरबी भाषा में दी जा रही है। क्या पढ़ाते हैं मदरसे में? ये तो अरबी उर्दू पढ़ाना है। जैशोर रोड पर बांग्लादेश बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर हम जुल्फिकर अली सिद्दीकिया मदरसा के सामने खड़े हैं। यहाँ पर 40 के करीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है इस्लामिक पद्धति के अनुसार। बांग्ला पढ़ो ना अरबी के पढ़ो? अरबी थोड़ी। क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? पढ़ाते अरबी, अरबी पढ़ाते कुरान। मुस्लिम बच्चे अपनी भारतीय जड़ों से विमुख हो रहे हैं। टास्क फोर्स ने बताया कि मदरसों का तालिबानीकरण हो रहा है। टास्क फोर्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद के फैलाव से पहले मदरसों का जाल बिछाया गया था। कई मदरसों का इसी तरह कट्टरपंथी विचारधारा का इस्तेमाल करके तालिबानीकरण किया गया था। ऐसा लगता है कि गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की तैयारी की जा रही है। कौन सा मदरसा है ये? मदरसा फैजुल उलूम हतिशाना। क्या आपको मालूम है काफिर क्या होता है? जी, काफिर होता है जो अल्लाह को न माने और इनकार कर दे, और अल्लाह के रसूल को ना माने वो भी इनकार कर दे, और कुरान शरीफ को नहीं पढ़े उसको भी इनकार कर दे कि हम नहीं पढ़ते, हम नहीं मानते एक खुदा को, उसको काफिर कहते हैं। तुम्हारा नाम की? मोहम्मद शेख शाहीन। काफिर का देर बोले? जरा अल्लाह को तो माने ना एवं नबीर आदेश मांगे चले ना। अरे अल्लाह को तो शुने चले नबीर आदेश मांगे, और कारा नबीर आदेश माने ना अल्लाह को तो शुने चले ना कारा, सेटा एकटु बुझिए बोलो। जरा मुसलमान তারা আল্লাহর কথা শুনে আর নবীদের কথা শুনে, আর যারা কাফের তারা আল্লাহর কথা মানে না, তারা শয়তানের কথা শুনে। কাফের তো যে ধর্মকে নাই মানতা হয় মুসলমান সে ওয়াদা খিলাফ করতা হয় ওই তো কাফের হয়। কাফের কো কে সজা দেনি চাহিয়ে? কাফের কে সজা আল্লাহ নে খুদা নে খুদ মতিয়ন কিয়ে কি ওয়া হামেশা হামেশা কে লিয়ে জাহান্নাম মে রহেগা, হামেশা হামেশা কে লিয়ে উসে জাহান্নাম মে রহেগা আর ওয়া আগ মে জলেগা, साहब बिच्छू भी डसेंगे, जिससे कुरान शरीफ या हदीस पाक से ये बातें साबित होती हैं कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम रहेगा, और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है, वहाँ आग है, साहब बिच्छू है, और तरह तरह के अजाब हैं, बहुत तरह के सजाएं हैं उसमें, वो हमेशा हमेशा जहन्नम ही रहेगा। छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में गैर मुसलमानों के खिलाफ कट्टरपंथी विचार डाले जाते हैं। टास्क फोर्स ने आगाह किया कि इसके भविष्य में भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं। जिहाद माने की? জিহাদ মানে যুদ্ধ করা। কি রকম যুদ্ধ, কাদের সঙ্গে যুদ্ধ? কাফিরদের সঙ্গে, নবীজিদের সঙ্গে, মুসলমানদের সঙ্গে। জিহাদ তো যুদ্ধ হয় ঘোষণা, যুদ্ধ হয় তো সংগ্রাম হয়। জিহাদ গ্যার মুসলিমো সে কিয়া যাতা হয়, জিহাদ গ্যার মুসলিম যে হতে হয়
उनसे क्या जाता है, उसे दीन की दावत दी जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात यानी अल्लाह पर एक खुदा पर ईमान लाने की बात कही जाती है कि एक खुदा पर ईमान लाए। जब वो नहीं लाते हैं ईमान तो फिर उस वक्त जिहाद का हुक्म होता है। कुरान शरीफ की सूरत है सूरतुल बकरा, सूरत का नाम है, सूरत मीन्स चैप्टर अध्याय, सूरतुल बकरा, बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 216 कुरान शरीफ में सूरतुल बकरा में है, कुतिबु अलैकुमुल किताल व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहु शैअन व खैर व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शरुल लकुम वल्लाह यालमु व अंतुम ला तालमून। कत्ल करना, काफरों को कत्ल करना, सऊदी अरेबिया में जो कुरान शरीफ की ट्रांसलेशन है वहां कत्ल के बजाय फाइट लड़ाई करना है, परंतु आप साधारण तौर आप समझ सकते हो क्या कुतिबु अलैकुमुल किताल कत्ल शब्द है, मीनिंग जो है क्या काफरों को कत्ल करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। व्हाट काइंड ऑफ वेनेसस इट इज, इफ यू विल किल मी, if you will cut my leg, if you will cut my kaan, in what kind of Venice is this? There is no freedom. Condition put karo, money cannot be spent in madrasa. Kani madrasa ta ke ekti ekti shishu ke manush banane poribotte ekti moulobadi musliman banana hocche. Take shikhaye dewa hocche musliman chara prithibite ar kichu nai. Musliman chara jai tumi karo sob halal. এই শিক্ষাটি বন্দনা হলে শুধু বাংলাদেশ কেন সব জায়গায় এই ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সমস্যা হবে। ইউ উইল ফেস দিস প্রবলেম, বাট আই এম ফেসিং ইট টুডে, ইউ উইল ফেস ইট, ইউ আর ইউর সান উইল ফেস ইট ভেরি সুন। হোয়াট ইজ দ্য এডুকেশন অফ মাদ্রাসা, দ্য মুসলিম আর দ্য সুপিরিয়র ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইফ ইউ উইল কনভার্ট অন নন মুসলিম, ইফ ইউ উইল কিল নন মুসলিম, ইফ ইউ উইল ম্যারিড অন নন মুসলিম, অর ইফ ইউ উইল রেপ অন নন মুসলিম, বিকজ নন মুসলিম উইমেন অ্যান্ড গার্ল আর দ্য মালে গনিমত, দিস নো ক্রাইম, heaven will be open for you. This is the education of madrasa, atrocities on the minorities, atrocities on the indigenous population, atrocities in each and every heart in my country created by madrasa people, so called educated people. Pehla kadam ye hona chahiye ki ye nivedan hona chahiye aur bahut hi ekdam dhir nivedan hona chahiye ki madrason mein jihad ki shiksha dena band kare, kyunki aap jihad ki shiksha denge to ye ladke nikal ke aatank karenge तो उसके बाद फिर बैकलैश होगा, दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे, इससे न किसी आपका भला है न किसी दूसरे का भला है, ये बंद करिए। टास्क फोर्स ने लिखा है कि सीमा के दोनों तरफ मदरसों और मस्जिदों का इस्तेमाल आईएसआई द्वारा किया जा सकता है, यहाँ से हथियारों की तस्करी और आतंकवादी गतिविधियाँ आसानी से की जा सकती है। कुछ साल पहले मैं बहराइच से आगे एक नेशनल पार्क में गया था, कतरनिया घाट नेपाल से सटा हुआ है, और वहां सुनने में आया कि सीमा के बराबर मदरसे और मस्जिद बनते चले जा रहे हैं और वहां माओवादी और आईएसआई के एजेंट मिलते हैं और वो अपने मैप्स और हथियार पैसे का लेना देना चलता रहता है। आईएसआई वाले पाकिस्तान वाले और ये उनके उनके अड्डे हैं, ये उनके सेंटर्स हैं जहां वो जाके तना ले सकते हैं, रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं और वहां अपनी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज जारी रख सकते हैं भारत के खिलाफ। अक्टूबर 8 सन 2001 बांग्लादेश के पूर्वा देलुआ में पूर्णिमा रानी शील का बलात्कार किया गया। मुसलमान पुरुष धर्षण पूर्णिमा मेटे हिंदू পূর্ণিমার মা পাথর কণ্ঠে মিনতি করছেন, বাবারা একসাথে নাও, একজন একজন হইয়া যাও ওর কাছে, মুসলমানেরা পূর্ণিমাকে ছেড়ে দেয়নি, পূর্ণিমার মাকেও দেয়নি, 6 বছর বয়সে ছোট বোনটিকেও দেয়নি। দক্ষিণ সাধনপুর বাঁশখালী পুলিশ স্টেশন বাংলাদেশ, नवंबर 19 सन 2003,
इस्लामी दहशतगर्दों ने ठीक आधी रात के बाद तेजेंद्र लाल शील के परिवार के 11 लोगों को बेरहमी से जिंदा जला दिया। इनमें 4 दिन की एक बच्ची समेत 8 महिलाएं और बच्चे शामिल थे। Law enforcing agencies, military and fundamentalist groups commit systematic atrocities, human rights violations against the indigenous people with complete impunity. फरवरी 17 सन 2002, द डेली जनकंठ ने बांग्लादेश में एक सर्वे कराया। इसके मुताबिक बांग्लादेश में किए जा रहे बलात्कारों में तकरीबन 99% बलात्कार के शिकार अल्पसंख्यक है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक 10% से भी कम है। भोला जिला में कहा जाता है कि एक हिंदू नारी नहीं है, 60 से 70 तक जिसका बलात्कार नहीं हुआ। ऐसे जगह जगह में, भोला में हुआ, मीरेसराय चिटगांव में हुआ, उल्लापाड़ा पाबना में हुआ, ऐसे जगह जगह में हुआ जहां पर लगातार हिंदुओं का कत्ल किया गया, हिंदुओं का मंदिर नष्ट किया गया, वहां गाय काटा गया, वहां पर जो प्रतिमा हम पूजा करते थे, पूजा करते समय उसको सर तोड़ दिया गया, इस तरह का अत्याचार होता रहता है। रेप दे आर यूजिंग एज ए टूल टू क्लीन द माइनॉरिटीज फ्रॉम बांग्लादेश, दे गेट आउट ऑफ दिस कंट्री। तारा बोले जा, इधर यू बिकम इस्लाम, टेक इस्लाम एंड गेट आउट ऑफ दिस कंट्री। हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों पर हमले करना, उन्हें जिंदा जला देना, उनके साथ बलात्कार करना, उनकी संपत्ति पर कब्जा करना, लूट मार करना, अल्पसंख्यक कर वसूलना और उनके साथ नौकरियों में भेदभाव करना बांग्लादेश के बहुत से मुसलमानों की फितरत बन चुकी है। 1941 में आज के बांग्लादेश में 29.61% हिंदू थे, जबकि 1991 में यहाँ केवल 11.37% हिंदू बाकी रह गए। सन 2004 तक हिंदुओं की संख्या केवल 10% रह गई। बांग्लादेश में एथनिक क्लेंजिंग सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं हो रहे हैं, बौद्ध धर्म जो उनको खिलाफ भी हो रहे हैं। चाकमा जो प्रॉब्लम था, आज चाकमा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चाकमाज ही नहीं है उधर। इंग्लिश में बोलते हैं एथनिक क्लीनसिंग, जैसे कश्मीर में हुआ। इतनी आबादी है, मेजॉरिटी में भी थे, फिर भी ये कुछ परसेंटेज हिंदुओं को वो टॉलरेट नहीं करते थे। जिस क्षेत्र में वे रहते हैं, हिंदुओं को निष्कासित करते हैं। आज बांग्लादेश का तथाकथित सेकुलरवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये भारत के सेकुलरिस्टों के लिए एक चैलेंज है। बांग्लादेश में आज अल्पसंख्यकों की हालत बहुत चिंताजनक है। वहां पे अल्पसंख्यकों के साथ बलात्कार, उनकी प्रॉपर्टीज को लूट लेना, उनके मंदिरों को तोड़ देना एक आम बात बन चुकी है। लेकिन भारत में जब प्रताड़ित होकर ये अल्पसंख्यक आते हैं तो उन्हें घुसपैठियों की तरह ट्रीट किया जाता है, उनको रेफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया जाता। ये यूएन जनरल असेंबली का एक अधिवेशन हुआ था 1950 में, उस समय ये डेफिनेशन अपनाया गया था और वो डेफिनेशन में लिखा हुआ है जिस आदमी अपने देश छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए मजबूर हो जाता है, किसके कारण? धर्म के कारण, विश्वास, पॉलिटिकल विश्वास के कारण, एथनिसिटी के कारण, इस सब विषय में कोई कभी यदि मजबूर हो जाता है तो उसको रेफ्यूजी समझा जाता है। जो कोई इकोनॉमिक रीजन से एक देश छोड़कर के दूसरा देश में चला गया उसको रेफ्यूजी नहीं माना जाता है। लेकिन भारत सरकार रेफ्यूजी और इन्फिल्ट्रेटर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती है। बांग्लादेशी हिंदू यहाँ आते हैं, उनको लेकर आप क्या करते हैं? बांग्लादेशी हिंदू आए हैं तो उनका भी है कि हम पुलिस को एफआईआर लॉज करते हैं। बीजेपी के राज में भी ऐसा ही चलता था। बांग्लादेश बॉर्डर पे हमने बीएसएफ वालों से बात की, कोई इंस्ट्रक्शन आपने नहीं दी थी कि हिंदू जो आता है प्रताड़ित होकर बांग्लादेश से, उसको भारत में रिफ्यूज दी जाए, उसको प्यार दिया जाए, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आपकी तरफ से नहीं मिली थी? देखिए, ये तो मैं स्वीकार करूंगा, ये आप जो कह रहे हैं, आप जो कहे हैं वो सही है, हमने सही कदम नहीं उठाए हैं। बांग्लादेश में हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बात तो प्रायः सभी जानते हैं। लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर से जो 50 किलोमीटर का दायरा है, उसके अंदर अब भारत के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद जिले में हरिहरपाड़ा, डोमकल, रानी नगर, जलंगी, भगवान गोला, ऐसे जो जगह बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है जहां पर मुसलमानों का परसेंटेज 75-80% के आसपास है, वहां हिंदू रह नहीं सकते। वो अपनी जो औरतें हैं उसको और कहीं भेज देते हैं, बरमपुर भेज देते हैं या कलकत्ता भेज देते हैं। 22 जनवरी 2005 को
जब हम इन गांव का दौरा करके वापस कलकत्ता आ रहे थे और रास्ते में जो स्थान पड़ता है बसंती, वहां पर पहले से मुसलमान बांग्लादेशी तैयार थे। हमारे स्कूटरों के ऊपर जिस पर हम बैठे हुए थे उन्होंने हमला बोल दिया, और हमला बोलते हुए बोलते ये इनका इनकी कुर्बानी लेनी है, उनकी कुर्बानी लेनी है। देखिए 14 अप्रैल असामीज का जो बिहू हुआ था वो 14 अप्रैल को गोलाघाट, हार्ट ऑफ आसाम, आसाम मुल्क का हार्ट गोलाघाट में क्या हुआ, जो मिशिंग बोल के एक ट्राइबल है, मिशिंग ट्राइबल असामीज, बोनाफाइड असामीज ट्राइबल कम्युनिटी मिशिंग, वो मिशिंग एक जगह है जो गोलाघाट का जगह पर, इसमें वो लोग बिहू का जो बनाया था जुलूस निकला, वो बिहू का जुलूस का ऊपर वो बांग्लादेशी हंगामा किया। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय धर्मावलंबियों का, भारतीय मूल के धर्मों से संबंधित लोगों का रहना असंभव होता जा रहा है। हम देखा है जगह जगह पर जिधर बांग्लादेश आया वो लोग पहले कैटल लिफ्टिंग के बाद वो लोग क्या करेगा, जो हिंदू गार्ड्स एंड हिंदू मैरिड वुमेन होगा उनका ऊपर दे विल असॉल्ट, दे विल क्रिएट न्यूसेंस, देन खेती में हिंदू लोग का खेती में वो लोग अटैक करेगा, छुरी करेगा। इसके बाद प्योर डिस्कशन फ्रस्ट्रेशन, द हिंदू लोग वो जगह छोड़कर दूसरा जगह पर जाता है। जो विभूति भूषण नंदी हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट के, उन्होंने जो अपने 2-3 आर्टिकल लिखे, एक तो स्पेस इन्वेडर्स पर, उसमें कही कि आसाम में काफी सारे हिंदू जो हैं वो अपने आप को रिलोकेट कर रहे हैं, मतलब बॉर्डर एरिया से छोड़कर जमीन बेच के जायदाद बेच के इंटीरियर में जहां उस अपने आप को सेफ सिक्योर समझते हैं वहां जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी भारत की सुरक्षा के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। बांग्लादेशी नेशनल जो है नागालैंड में जा रहे हैं और वहां जाके वहां की जो नागा औरतें हैं उनके साथ शादी कर लेते हैं, तो ये देखा गया है कि वहाँ एक नई किस्म की पॉपुलेशन पैदा हो रही है जिनके बाप मुसलमान हैं लेकिन माँ जो है वो लोकल नागा लड़की है। इस वक्त इस बात का शक है कि करीब 2 लाख बांग्लादेशी वहाँ नागालैंड में घुस चुके हैं और बांग्लादेश से और लोग भी वहाँ जा रहे हैं और नागालैंड की कुल जो आबादी है वो सिर्फ 20 लाख है। नागालैंड में मुसलमानों की आबादी जो एक दिन ऐसा खतरनाक इसके नतीजे निकलेंगे, और हो सकता है जिस तरह ईस्ट टिमोर में इंडोनेशिया में मुसलमानों के और क्रिश्चियन की आपस में बड़ी सख्त लड़ाइयां हुई थी, यहाँ भी वही हाल पैदा होने वाला है। नेली में 1983 में नेली में मसाकर हुआ, क्यों मसाकर हुआ, सारा वर्ल्ड में नेली मसाकर का बहुत पब्लिसिटी निकला, बट बेसिक कज क्या था, नेली ट्राइबल एरिया था। नेली ट्राइबल एरिया में जब मुस्लिम लोग बांग्लादेशी लोग आकर वो लोग का खेत वो लोग का घर सब में डिस्टर्ब किया, हंगामा किया, तब बिकॉज ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन वो ट्राइबल लोग दे हैड revenge on them, a reprisal war, a purely case of revenge, not of aggression, but of revenge. इसीलिए नेली हुआ। ब्रह्मपुत्र के दोनों तरफ गुवाहाटी शहर बसा हुआ है, उस तरफ है दरंग जिला, दरंग जिले से मिलिटेंट्स गुवाहाटी में दाखिल होते हैं ब्रह्मपुत्र क्रॉस करके। पूर्वोत्तर भारत में काम कर रहे आतंकवादी संगठनों के साथ बांग्लादेश मिला हुआ है, उन्हें हर प्रकार का सहयोग देकर बांग्लादेश भारत से दुश्मनी मोल ले रहा है। त्रिपुरा के ATTF और NLFT, असम के उल्फा और NDFB, मेघालय के HNLC और ANVC, नागालैंड के NSCN IM और NSCN K और मणिपुर के PLA और UNLF के बांग्लादेश में कैंप्स हैं। आज अल्फा का पूरा आम सप्लाई बांग्लादेश से आ रहे हैं, नेपाल के माओवादियों का जो आम सप्लाईज आ रहे हैं वो भी बांग्लादेश के थ्रू रूट कर रहे हैं। आज पूरा रीजन में जो खतरा आ रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी खतरा आ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी खतरा है, उसका ओरिजिन
वो घाटी है बांग्लादेश। आज बांग्लादेश एक नाकामयाब मुल्क होने के साथ साथ एक टेररिस्ट स्टेट बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बांग्ला भाई, सिद्दीकुल इस्लाम और अजीजुर रहमान जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये बांग्लादेश में रह रहे माइनॉरिटीज के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। खतरनाक मंसूबे लिए ये शख्स कंधार में अलकायदा से आतंकवादी प्रशिक्षण पा चुका है। ये जमात इस्लामी से जुड़ा हुआ कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन इस्लामी छात्र शिविर का कार्यकर्ता भी रह चुका है। बांग्ला भाई ने जागृत मुस्लिम जनता के नाम से एक संगठन भी बनाया है। ये बांग्लादेश का जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पर ऑपरेट करते हैं, राजशाही, पाबना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में ये जागृत मुस्लिम जनता ऑपरेट करते हैं। इनका बस एक ही काम है, लिबरल मुस्लिम जहाँ पर है, हिंदू लीडर्स जहाँ पर है, इसको बस लिक्विडेट करना, और ये करते भी है। बांग्लादेश में बांग्ला भाई जो है उसका सबसे बड़ा अटैक जो है वो पूर्वी बंगाल के जो कम्युनिस्ट हैं उनके ऊपर है। तो जिस वक्त यहाँ पर इस्लामिस्ट डोमिनेंस हुआ तो उस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा शिकार कम्युनिस्ट भी होंगे, सेकुलरिस्ट भी होंगे। 1992 में हरकत उल जिहाद इस्लामी बांग्लादेश हुजी भी बनाया गया। इसके लिए करीब 15,000 जिहादी काम करते हैं। बांग्लादेश के अलग अलग 64,000 मदरसों में तैयार किए गए नौजवान इसमें भर्ती किए जाते हैं। कुछ समय पहले तक ये अपने आप को बांग्लादेशी तालिबान कहा करते थे। इस संगठन की जड़ें पश्चिम बंगाल और असम तक फैली हुई हैं। बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के नाम हैं: जमाते इस्लामी, हरकत उल जिहाद इस्लामी बांग्लादेश, बांग्लादेश खलीफत मजलिस, इस्लामिक औकिया जौत, इस्लामिक मरकज पार्टी, जमायत उल मुजाहिदीन, रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन और अराकन रोहिंग्या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बांग्लादेश के आतंकवादी संगठनों का सफाया करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना पड़ेगा, कारण बांग्लादेशी सरकार तो खुद आतंकवादियों से मिली हुई है। इस्लामी आतंकवाद मासूम हिंदुस्तानियों की जान ले रहा है, भारत के सुपर पावर बनने में सबसे बड़ी बाधा है आतंकवाद। अगर दोबारा विभाजन होता है या विभाजन की मांग होती है तो उसका काफी सारा असर जो है वो भारत की तरक्की पर पड़ेगा, तरक्की रुक जाएगी, तरक्की को सेटबैक होगा। गैर कानूनी तौर पर घुस रहे विदेशियों के लिए देश में दो कानून हैं: असम में इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल यानी IMDT एक्ट, और बाकी भारत में फॉरेनर्स एक्ट। IMDT एक्ट फॉरेनर्स एक्ट के मुकाबले एक कमजोर कानून है। घुसपैठियों को पकड़ने के लिए IMDT एक्ट नाकामयाब साबित हुआ है। IMDT एक्ट जो है एक पिक्यूलियर एक्ट है जिसमें जो आरोप करते हैं the onus is on that person to prove that someone is a Bangladeshi immigrant. उसी कारण में IMDT में आज 10 साल हो गया है, 12 साल हो गया है, सिर्फ 1500 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेक्ट किया है। This is an ineffective act. It is a bogus act. Lieutenant General S.K. Sinha, in his report to the President of India, he said that this act must go. The Law Commission of India, they have recommended that this act must go. After the Kargil war, there was a group of ministers' report. That report also said that this act must go. After that, there was a border management group. In that report, it said this act must go. How two acts can, detect the illegal foreigner? Because the all political parties, they need illegal Bangladeshis vote, so they are not repealing this IMDT act. आज भारतवासियों के लिए समय आ गया है कि वो अपनी बात को दृढ़तापूर्वक कहें, अपने आप को एसर्ट करें। हिंदू संस्कृति बहुत अच्छी है, बड़ी उदार है, मगर क्या मर जाए, क्या नष्ट हो जाए? अरे ये जो सवाल है कि आप उदार बने रहिए और वार खाते रहिए, छुरे खाते रहिए, अपनी जमीन खोते रहिए, अपनी जनसंख्या खोते रहिए, अपना अधिकार खोते रहिए, इसका मतलब क्या है? और शत्रु जब आते हैं, वी बेरी आर हेड्स इन द सैंड एंड होप द प्रॉब्लम विल गो अवे। तो इसी कारण में मेरा कहना है कि नेशनल बर्ड आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, पीकॉक नहीं होना चाहिए,
होना चाहिए ऑस्ट्रिच। अर्जुन में भी कायरता आती है, अर्जुन भी पलायनवादी होता है, अर्जुन में भी अपने भाई भतीजों के प्रति आत्मीयता का भाव पैदा होता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ये भाव अर्जुन के मन में पैदा होता है, दुर्योधन के मन में तो पैदा नहीं होता। युद्ध की हानियों को अर्जुन अनुभव करता है, दुर्योधन तो अनुभव नहीं करता। इसलिए आप हानि अनुभव करते भी रहे, युद्ध को गाली देते भी रहे, तो दुर्योधन आपको युद्ध से छोड़ेंगे नहीं, आपको क्षमा नहीं करेंगे। हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि कोई अर्जुन आएगा, वास्तव में समय यह है कि हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मैं किसी दूसरे का इंतजार न करूं कि कोई दूसरा अर्जुन आएगा, मैं स्वयं ही अर्जुन हूं और अपना कर्म मैं स्वयं ही करना शुरू करूं। राइफल क्लब खोलना चाहिए, बच्चों को राइफल सिखानी चाहिए ताकि सेल्फ डिफेंस में अपना अपनी रक्षा कर सके। डिब्रूगढ़ के चिरंग चपोरी युवा मंच ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंकने का एक फॉर्मूला तैयार किया है। फॉर्मूला आसान है, पर्चों और एसएमएस के द्वारा आह्वान किया गया, बांग्लादेशियों का बहिष्कार करो। हम शपथ खाते हैं कि बांग्लादेशियों को नौकरी नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे और आसरा नहीं देंगे। नतीजा, बांग्लादेशी शांतिपूर्वक तरीके से डिब्रूगढ़ छोड़कर भागने लगे। असम के चिरंग चपोरी युवा मंच ने बांग्लादेशी समस्या के समाधान का पहला कदम बड़ी मजबूती से रखा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर भगाने का सबसे आसान तरीका है उनका आर्थिक बहिष्कार। इसके लिए जागरूकता होना जरूरी है। इतनी विराट जाति को कोमा से बाहर लाया जा सकता है, क्योंकि बीच बीच में जागृति के चिन्ह दिखाई देते रहते हैं। कभी जब भी अस्तित्व बोध उसमें जागृत हो जाएगा तो कोमा से बाहर निकल आएगा। त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन इन त्रिपुरा, ऑल असम स्टूडेंट्स इन असम, नागा स्टूडेंट फेडरेशन इन नागालैंड, ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स इन मणिपुर, मेघालय खासी स्टूडेंट्स यूनियन इन मेघालय, गारो स्टूडेंट्स यूनियन इन मेघालय, देन ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स इन अरुणाचल, एवरीबॉडी इज फाइटिंग हार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिजिनियस पीपल। विशेषज्ञों ने हमें बार बार बताया कि बांग्लादेशियों को भगाने का सबसे आसान तरीका है बी होस्टाइल टू द इन्फिल्ट्रेटर्स, यानी घुसपैठियों के प्रति हमारे व्यवहार में दया भाव नहीं, शत्रुता दिखनी चाहिए। भारत के अंदर कंडीशंस क्रिएट करना जहां बांग्लादेशी नागरिक जो आते हैं वो देखते हैं कि ये हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। ये हम लोग यहां आने में हम लोग का अपने जान का खतरा है। ये जब एनवायरनमेंट होगा, ग्रेटर अवेयरनेस होगा और बॉर्डर सिक्योरिटी होगा, तभी ये प्रॉब्लम टैकल कर सकते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ नॉन कोऑपरेशन यानी उनका बहिष्कार समस्या को समाधान की ओर ले जा सकता है। इस मूवमेंट के लिए एक दफा आह्वान किया था डीएन बेसबरुआ ने, जो कि असम के रहने वाले एक बड़े पत्रकार हैं और एक इंटेलेक्चुअल हैं, और उनके आह्वान पर कोई जवाब नहीं हुआ क्योंकि ये कोशिश किसी ने संस्था ने नहीं की। घुसपैठियों के खिलाफ वोट बैंक जिस दिन तैयार हो जाएगा कानून भी बन जाएगा, जैसे यूके में किया है। उन्होंने कह दिया है कि कोई भी इलिटरेट अनस्किल्ड आदमी हमारे देश में नहीं आएगा, अगर आ जाता है तो कोई भी उसको नौकरी नहीं देगा, अगर कोई नौकरी देता है तो उसे 2000 पाउंड का जुर्माना करेंगे। चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहिष्कार करना हो या उनके खिलाफ कानून बनाना हो, दोनों के लिए पहला कदम है जागृति। जैसे पोलियो को प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि टीवी पे, रेडियो पे, अखबारों में, कि घर घर जाकर जहां देखते हैं एक से पांच साल का बच्चा है वो आके पूछते हैं पोलियो वाले, पोलियो को वो ड्रॉप देने वाले, कि इसका क्या यहां के बच्चे को ड्रॉप दिए गए हैं या नहीं। तो जब तक घर घर में जाके इस बात का प्रोपेगेंडा ना हो तो आप ये समझें तो एक बार फिर भारत में पार्टीशन हो या और कॉन्सिक्वेंसेस हो जो इतने सीरियस हो सकते हैं कि जितने 1947 की पार्टीशन में हुआ था। इन डेमोक्रेसी द ग्रेटेस्ट डेंजर इज द साइलेंस ऑफ द गुड, यू नो, सो द मोमेंट द मिडिल क्लास, द इंटेलेक्चुअल्स, द न्यूज़पेपर्स, द एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स ऑफ और द एडवोकेट्स, यू नो, टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, दे कम अप एंड फॉर्म द थिंक टैंक एंड message, percolate their message down to the students or to everyone, their target group. If everybody do it with a little bit of seriousness, I'm sure process may be, you know, the process may start, at least the change
बिगिनिंग ऑफ ए चेंज कैन बी मेड। समस्या मेरे ख्याल में इंटरनेशनल अवेयरनेस से ही होगा, लेकिन इसका लीड, पहला कदम इंडिया को लेना चाहिए टू मेक द वर्ल्ड अवेयर, और हम लोग ये नहीं किया है। हम लोग अपने देश के लोग को अवेयर नहीं किया, अब दुनिया को अवेयर तो उसके बाद की बात है। दिस बांग्लादेश वी डिडंट वांट, सो वी केम हियर अगेन टू इंडिया दैट वी सैल्यूट यू, वी रिमेंबर दैट यू हेल्प अस, वी अगेन कम टू यू दैट वी आर ऑन द वार्स ऑफ एक्सटिंक्ट, हेल्प अस, सेव अस एज यू डिड इन 1971। भारत को बांग्लादेश से दोहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक आतंकवाद का महत्वपूर्ण अड्डा बन चुका है, दूसरी ओर करोड़ों बांग्लादेशी मुसलमान भारत में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हिंदुस्तान फिर से संकट के घेरों में फंस चुका है। बांग्लादेश की 15% जनसंख्या भारत में रहती है, इसलिए सर्वप्रथम बांग्लादेश को अपनी जमीन का 15% भूभाग भारत को देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, उस समय मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए उसकी आबादी के हिसाब से जमीन मांगी थी, तो आज उनकी 15% आबादी भारत में रह रही है। तो बांग्लादेश समस्या का समाधान मेरे हिसाब से ये है कि उनकी 15% जमीन हमें दी जाए, और बांग्लादेश में जो 10% अल्पसंख्यक हिंदू रह रहे हैं, जिन्हें रोज वहां प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, काटा जाता है, जिसकी सुध कोई भी ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं लेता, उन लोगों को भी 10% जमीन अलग से दी जाए। कुल मिला के 25% जमीन अगर बांग्लादेश देता है, जहां पे इनके 15% बांग्लादेशी घुसपैठिए बसाए जा सके, और 10% जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन्हें बसाया जा सके यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में, तो मैं समझता हूं कि बांग्लादेशी समस्या का कोई समाधान निकल सकता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या के कुछ समाधान, लोगों में जागृति, भ्रष्ट नेताओं का घेराव, सीमा पर हाईटेक फेंसिंग, बॉर्डर पर शिकारी कुत्तों का इस्तेमाल, घुसपैठियों की सूची बनाने के लिए नया मंत्रालय, पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के द्वारा जाली राशन कार्डों का पर्दाफाश, भ्रष्ट अफसरों और नेताओं को सजा, घुसपैठियों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश का बहिष्कार, जमीनी और समुद्री रास्तों से बांग्लादेश पर आर्थिक और सैनिक दबाव। कंट्री फर्स्ट एवरीथिंग कम लास्ट, देश पहले है, बुलबुलो कर तुम्हारा चमन लुट गया, क्या चाहने बताओ कहां जाओगे।